मैं आज अपनी ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष महोदया, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स मूलतः दो वजहों से सदन के सामने आता है। जब ऑथराइज्ड अमाउंट सफिशिएंट नहीं रह जाता या फिर जो एडिशनल एक्सपेंडिचर की जरूरत महसूस होती है। मैं आज आपके सामने सदन को बताना चाहता हूं कि इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के माध्यम से आदरणीय वित्त मंत्री जी ने लगभग 60,000 करोड़ की राशि का निर्धारण इस लोकसभा के सामने रखा है, जिसके तहत लगभग 35,171 करोड़ का नेट कैश आउटगो, जिसका मतलब है कि इंक्रीज इन नेट स्पेंडिंग इस देश के सामने होगी, और लगभग 24,805 करोड़ की राशि का जो व्यय है वो डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज की जो सेविंग्स हैं या फिर जो रिसीट्स और रिकवरीज की राशि है उसके माध्यम से पूरा किया जाएगा। आदरणीय महोदया, ये डिमांड फॉर ग्रांट्स एक बेहद महत्वपूर्ण दौर पर इस देश के सामने आया है। एक तरफ जहां पिछले कई महीनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में गंभीर संकट देखने को मिले हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन के अलग होने की वजह से आई अनिश्चितता हो या फिर लगातार चाइना में आ रहे स्लोडाउन की वजह से वैश्विक कंजम्पशन नीचे गया हो या फिर अमेरिका में फेड के रेट्स आने वाले समय में क्या होंगे उसको ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर पूरे विश्व में चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या प्राइवेट कंजम्पशन हो उसमें कमी आई है। लेकिन मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था सितंबर के क्वार्टर में 7.3% की रफ्तार से आगे बढ़ी है और पूरा देश कहीं ना कहीं आज भारत की सरकार के द्वारा हो रहे स्पेंडिंग के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहा है। आदरणीय महोदया, लगभग पिछले कुछ महीनों में कई महत्वपूर्ण कदम इस सरकार ने उठाए हैं, लेकिन जो सबसे बोल्ड और ऐतिहासिक कदम इस सरकार ने उठाया है कि काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और अघोषित आय से हो रहे इस देश के नुकसान को आमूल चूल परिवर्तन करते हुए 500 और 1000 के नोटों को परिवर्तन करने का एक साहसिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने किया है। मैं पूरे देश की जनता की तरफ से आदरणीय वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। महोदया, लगभग ये देखने को आता है कि जब भी राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता होती है, ये एक चुनौती भी होती है तो एक अवसर भी होता है। जब हम ऐसी चुनौती को अवसर में बदलकर समय के साथ ताल से ताल मिलाकर अपने देश को एक बेहतर अर्थव्यवस्था के रूप में, एक सफल लोकतंत्र के रूप में आगे लेकर जाएं, और आज जो पूरा विश्व भारत देश की ओर आंख उठाकर देख रहा है उम्मीद भरी निगाह से कि भारत में आ रहे इस महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव का आने वाले समय में क्या सकारात्मक प्रभाव होगा, मैं फिर से आदरणीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। आज इस देश की 65% युवा आबादी अपने भविष्य के सुनहरे सपनों को साकार करने का इरादा लेकर तैयार खड़ी है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया के माध्यम से, अप्रेंटिस एक्ट के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजन करने का वातावरण का निर्माण किया है, निश्चित रूप से यह देश उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। महोदय, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ, राजनांदगांव जिला ग्रामीण परिस्थिति का जिला है, और आज ये महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है कि जहां पहले रोटी, कपड़ा और मकान की अपेक्षाएं सरकार से लोग करते थे, आज इन अपेक्षाओं में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ मोबाइल नेटवर्क की सुविधा, हर गांव में बिजली, हर खेत में पानी, और इन तमाम योजनाओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में नई जन अपेक्षाओं का, आकांक्षाओं का और अपने भविष्य के प्रति मजबूत इरादों का सृजन किया है। अध्यक्ष महोदय, इन सारी योजनाओं के पीछे इस सरकार की बेहतर क्रियाशीलता दर्शाती है कि इस डिमांड फॉर ग्रांट्स में लगभग 35,000 करोड़ का नया आउटले घोषित करने की मांग की है।
महोदय ये जो परिवर्तन है इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी, ये सिर्फ सरकार की मांग या सरकार से अपेक्षाओं का एक प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि इस देश में जो शायद सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है वह जन अपेक्षाओं से आगे बढ़कर जन आदर्शों की तरफ इस देश की जनता जा रही है, उस दिशा में हुआ है। जन अपेक्षाओं से आगे बढ़कर इस देश की जनशक्ति का एक सकारात्मक दिशा में निराकरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसके तीन उदाहरण, सिर्फ तीन उदाहरण देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। महोदय, इस देश में प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर 1.5 करोड़ लोगों ने अपने गैस सिलेंडर को अपनी स्वेच्छा से गरीब की सेवा में सरकार उसका उपयोग कर सके। ये दर्शाता है कि इस देश की जनता तैयार है सिर्फ मांग करने के लिए नहीं, बल्कि अपने देश के विकास में अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने की। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस सदन के माध्यम से कि जो स्वच्छ भारत अभियान की एक पहल, एक सरकारी पहल ना होकर हर माँ हर बेटी के दिल से निकली हुई दुआ बनकर एक जन आंदोलन, इस भारत देश के स्वाभिमान का जन आंदोलन बनकर आगे बढ़ी है। और यह दर्शाता है कि यह देश सिर्फ मांग पर नहीं बल्कि जन आदर्शों को लेकर, जन शक्ति को लेकर आगे बढ़ रहा है। और अंत में अध्यक्ष महोदय, जो सबसे महत्वपूर्ण है आज, जिसे हम ना सिर्फ हम बल्कि चाहे चाइना हो या दुनिया के अन्य देश हो, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव देखते हैं, 500 और 1000 के नोटों को बदलने का जो योजना है, उसमें इस देश की जनता ने सरकार के साथ खड़े रहने का फैसला किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहने का फैसला किया है। और ये फैसला किया है कि भारत के पुनर्निर्माण में इस देश की जनता की भागीदारी सकारात्मक रूप से होगी। जन आदर्शों को प्रणाम करते हुए मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी के इस प्रपोजल का समर्थन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रविंद्र कुमार जैन।